आप सीट दिखाओ इसमें सर, क्या चेंजेस आए हैं? पहले अलग थी, पहले पता है क्या सर इसमें था। और एक चीज और सर, ये जो अपनी रूफ है ये स्टील की है जी, बिल्कुल ये स्टील की रूफ अपनी है। अच्छा जी, बिल्कुल स्टील तो है। देख रहे आप सेफ्टी के लिए कितना स्टार्टअप है जी। हाँ, स्टार्टअप ऐसे ही मशहूर है सेफ्टी के लिए, मतलब अपनी छत पूरी स्टील की दे रही है, गाड़ी कल को पलटा भी खा जाए। हाँ, बाकी हो ना आप कहते हैं लेकिन वो खा भी जाए तो सेफ्टी है, सेफ्टी है जी पूरी। देखो गाड़ी मतलब पिच के लिए नहीं नहीं वेलकम बैक टू अनंस व्लॉग्स। तो भाई आज आप आए हुए हैं साहिल मोटर्स भिवानी में, अपने टाटा साहिल मोटर्स। तो वेलकम करते हैं सर का। वेलकम सर, क्या गुड नेम होगा सर आपका? बलजीत सर। तो आज अपने पास है टाटा की मैजिक एक्सप्रेस M2 है, जो मोस्ट डिमांडिंग कार है। अपने आपने देखी यही होगी स्कूल वैंस में, और तो कोई दिखती नहीं जल्दी से, बिल्कुल गलियों में यही जाती है जी, गलियों में यही जाती है, छोटी की छोटी और कैपेसिटी भी अच्छी है जी। सर फर्स्ट ये बताओ इंजन इसका कितने सीसी है? इंजन इसका है जी 798 सीसी, 44 HP का इंजन है जिसका। ठीक है, 44 HP इसके अंदर, 44 HP की जान है अपने, बिल्कुल टू सिलेंडर इंजन है जी ये। ठीक है, टू सिलेंडर इंजन है। अगर आप फ्रंट की बात करें तो सर टाटा का लोगो है, पहले टाटा का लोगो है। अच्छा जी, मैजिक एक्सप्रेस आ गया इधर, अपनी मैजिक और एक्सप्रेस की बैजिंग है। और सर एक चीज ये बताओ, ये जिस तरह की फ्लेक्टर टेप है ये कंपनी से आता है जी ये पीछे? अच्छा, अपना कोई एक्सेसरीज का कुछ नहीं? नहीं जी, नहीं नहीं, ये चीज देखो भाई, ये रिफ्लेक्टर जो टेप है अपनी कंपनी के थ्रू ही लगी आती है पीछे से। बिल्कुल ठीक है, अपने हैलोजन लाइट आ जाती है। बिल्कुल ठीक है, बम्पर हो गया बिल्कुल। ओके, बम्पर अपना ब्लैक कलर में आ जाता है। सर ये क्या चीज है? ये है टोचन के लिए, टोचन के लिए अलग से आता है, चूड़ी चढ़ जाती है उससे। अच्छा, और टोचन में कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम है अपना टोचन के लिए। हाँ हाँ ठीक है, ये अपने इधर वाइपर आ जाते हैं। बिल्कुल जी, वॉशर भी है सर इसमें? है जी, वाइपर में वॉशर भी है। बिल्कुल है जी, ये देखो आप, ये अपना वॉशर हो गया। ठीक है जी, पूरे विंडशील्ड है ताकि ड्राइवर को आराम से पूरा दिख सके। ठीक है, मतलब व्यू बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अगर आप साइड में आते हैं सर, टायर सर कितने इंची है? टायर 13 इंची है जिसके। हाँ जी, 13 इंची टायर है जी। शायद पहले छोटे आते थे? पहले बिल्कुल छोटे आते थे जी। ठीक है, मतलब टायर अपना टायर बढ़ा दे दिया है, इंजन भी बढ़ा दे दिया है। ठीक है, इंजन भी बढ़ा दे दिया। और साथ में इसके ये भाई साहब दिखाओगे आप? हाँ जी, ये लीफ स्लिंग। ठीक है, अपना लीफ जो कमानी कात कह सकते हैं, बिल्कुल कमानी बोलते हैं। ठीक है, हाँ ये सर एंटी रोल में आती है अपने? बिल्कुल बिल्कुल जी, एंटी रोल में आती है। ठीक है, मतलब अगर गाड़ी खड्डे में जाती है तो गाड़ी पलटने का डर नहीं है? बिल्कुल नहीं होता जी। ठीक है, बहुत कम चांसेस हो सकते हैं, हम ये श्योरिटी तो कहते नहीं कि पलटेगी। नहीं नहीं नहीं, बट वो एंटी रोल इसके अंदर आ गया। बिल्कुल, तो गाड़ी पलटने का कम चांसेस है। ठीक है जी, इधर अपने साइड में इंडिकेटर आ जाता है। बिल्कुल ओके, ये फिर 5 डोर है जी ये। ठीक है, 2 डोर आगे, 2 डोर ये हैं दोनों साइड से, एक पीछे है। ठीक है, 2 डोर, 2 दरवाजे आ गए हैं अपने, 2 इधर 1 पीछे, प्रॉपर 5 डोर है अपनी। बिल्कुल, पहले वो कर्टन वाला सिस्टम था, अब सेफ्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया। अंदर से भी लॉक वाला सिस्टम है ये। ओके, विंडो वगैरह दे दिए। ठीक है जी, इधर से अपने विंडो ओपन वगैरह हो जाती है। हाँ हाँ सही, और इधर अपना ये लॉक अनलॉक का है। ठीक है जी, एक बार आप सीट दिखाओ इसमें सर, क्या चेंजेस आए हैं? पहले अलग थी, पहले पता है क्या सर इसमें था, जैसे ये सीट है ना ये अपनी, ये हाँ जी जो अपनी ये सीट है ना, ये सीट ऐसी, ये सीट भी ऐसी आती थी जी। ठीक है, मतलब ये जो पूरा बेंच है ऐसे पूरा बेंच ही था। तो यहाँ से अगर पीछे जाना हो ना बंदे को, तो पीछे वाली खोलनी पड़ती थी। ठीक है, तो अब इसमें क्या साइड से जगह दे दी है। अच्छा, इसमें आराम से बंदा पीछे जा सकता है। ये देखो जी, ये साइड में दे दी जगह, साइड में बेंच हाफ दे दिया ताकि बंदा जा सके। और एक बात इसमें ये देखो आप, फुट रेस्ट। ठीक है, हाँ पूरी जगह है जी, यानी हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। ये देखो बच्चों के लिए तो बहुत बेस्ट, हाँ काफी जी। ठीक है सर, एक चीज ये और बताओ, ये कितने सीटिंग पास है? ये है जी 9+1, 10 सीटर पास है ये। ठीक है, 10 सीटर अपनी गाड़ी है। हाँ जी, मतलब बच्चे इसमें हम 9 बिठा सकते हैं।
नौ प्लस ड्राइवर जी। हाँ, वो नौ बच्चे तो आप इसमें जैसे स्कूल में पास होती है तो स्कूल में डेढ़ गुना बच्चे बैठ सकते हैं सवारियाँ। अच्छा अच्छा, तो अगर मान लो ये दस में है तो 15 बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। बच्चे 15 बैठ सकते हैं? बिल्कुल जी। ये पास होता है सर? ये स्कूल में पास होता है। वैसे पर्सनल में अगर लेता है कोई व्हाइट कलर में तो उसमें 9+1 ही बैठेंगे। अच्छा, ये व्हाइट में भी आती है अपने? बिल्कुल आती है जी, व्हाइट व्हाइट में अपने 9+1 और वैसे उसमें डेढ़ गुना बच्चे बैठ सकते हैं स्कूल में। ठीक है, एक बार बैक लुक और देखते हैं सर। बैक लुक में देखोगे बड़ा सा शीशा दे रखा है अपने को। बिल्कुल जी, बढ़िया लैंप दे रखी है साइड में। ये अपने ब्रेक लाइट इंडिकेटर और बैक गियर की वो है, और नीचे सेंसर आगे, सेंसर आगे बैक गियर। ठीक है, इधर भी अपने रेड कलर में रिफ्लेक्टर टेप आ जाती है। ठीक है, और ये देखेंगे आप स्टेपनी अंदर दे दी इसके। ठीक है, एक बार दिखाओ स्पेयर व्हील है जो अपना अंदर देने की, या कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, लगेज का भी पूरा अगर रखना चाहिए कोई भी चीज़ तो अपने रख सकते हैं। ठीक है सर, ये अपना फ्यूल टैंक कितने लीटर का है? फ्यूल टैंक है जिसका 35 लीटर का, 40 लीटर का जी। 40 लीटर का अपना इसके अंदर फ्यूल टैंक आ जाता है। डीजल में अपने, पेट्रोल में नहीं आती, डीजल में अपनी ये गाड़ी। फिर एक बात और, अगर बच्चा चाहे तो ये नीचे बिल्कुल नीचे लगा हुआ है देखो। ठीक है, कई गाड़ियों में आता नहीं है ये बिल्कुल भी, जिससे क्या है बच्चा चढ़ने में दिक्कत होती है, बच्चे को उठा के चढ़ाना पड़ता है। एक एक कंफर्ट की तरफ ध्यान दिया गया, और अपने ग्रैब हैंडल्स भी आ जाते हैं ऊपर। हाँ, पकड़ने के लिए। ठीक है, तो गाइस आप गाड़ी के आगे इंटीरियर में आ चुके हैं सर। एक बार पहले इसकी की दिखाओ। ठीक है, अपनी सिंपल ऐसी चाबी आ जाती है गाड़ी की। ठीक है जी, और सर ये अपना एक बार मीटर और चेक कराओ। अच्छा, अपना डिजिटल मीटर आ जाता है गाड़ी में। बिल्कुल, ये फ्यूल का आ गया, टेम्परेचर का हो गया, ये डेफ का हो गया ऊपर। डेफ, डेफ मतलब अपने ये यूरिया डलता है गाड़ी, यूरिया डलता है जिसमें। ठीक है जी, वो सभी गाड़ियों में डलता है, जो डीजल की गाड़ी है ना सभी में यूरिया आता है अभी। ठीक है, मतलब गाड़ी गैस वगैरह नहीं छोड़ती। हाँ, पोल्यूशन वगैरह कम होता है इसमें। ये अपना स्पीड का हो गया। हाँ जी, एक इसमें अगर स्टार्ट करते हैं जैसे गाड़ी, हाँ जी, तो इसमें क्लच दबाई बिना स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी। बिना क्लच, वो BS6 के नॉर्म से जैसे कोई भी यानी बच्चा वगैरह स्लप मारता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, मतलब क्लच के बाद ही स्टार्ट होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक, और इसमें क्या है, जब चलती है गाड़ी तो गेयर जो भी लगाएंगे ना वो यहाँ भी दिखाएगा गेयर। जब दूसरा गेयर है रनिंग में रहेगी तो आगे गेयर शो करेगा कौन से में लगी हुई है, गेयर पे लगी हुई है। ठीक है, ये अपने चार्जिंग का आ गया। ये अपना सर इको मोड है, ये इको मोड का आ गया जी। अगर आप इधर इको की वो भी आ जाती है, अगर खाली है गाड़ी अपनी या फिर सीटिंग में भी है तो अपने इको मोड पे चलाएं। अच्छा, इसमें एवरेज का काफी फर्क पड़ेगा। वैसे भी इसकी अच्छी माइलेज है, इसकी 21 की माइलेज दे देती है डीजल में अपने 21 की माइलेज। हाँ, वो रोड पे डिपेंड करता है जी, कैसा रोड है। कुछ भाई अपने चलाने पे भी हो जाता है डिपेंड, भी कैसे चला रहे हो तो। बिल्कुल, लोडिंग रफ चलाओगे तो कहां माइलेज, लोड कितना है गाड़ी का, लोड गाड़ी का कितना। बंद कर दो गाड़ी। ये अपना इको का गाड़ी है जी सर, ये आगे जी रीजनेशन का है। अच्छा, जैसे क्या होता है गैस, अभी जो यूरिया डलती है इसमें, हाँ जी, तो पहले क्या था वो पोल्यूशन होता था काफी, हाँ जी, अब जो गैसें हैं वो काफी कम होगी इसमें। अच्छा जी, तो कई बार गाड़ी मिसिंग मारने लग जाती है या फिर मौसम नहीं बनाती, स्टार्ट नहीं होती कई बार, स्टार्ट नहीं होती कई बार, तो गाड़ी को साइड में लगाए और इसका सारा यानी गियर वेयर न्यूट्रल करके। ठीक है, ये 1 मिनट दबाना अपने को। अच्छा हाँ, 1 मिनट दबाते ही थोड़ा ऑटोमेटिक सही हो जाएगी गाड़ी। ठीक है, बिल्कुल जी। उसमें क्या, जैसे छोटी भी कोई भी दिक्कत आता तो एजेंसी में लेके आओ, जोड़ के लैपटॉप लगवाने के लिए। लैपटॉप की कोई नीड नहीं है, कुछ हद तक थोड़ा इसमें हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल जी, अगर कोई छोटी मोटी वो है गाड़ी में तो ये खुद ही अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक हो जाती है गाड़ी। ठीक है, ये अपना लाइट की डायरेक्शन होगी, ये अपना चार्जिंग होगा, ये अपना ग्लव बॉक्स है जिसमें लॉक लग जाता है अपने। जी जी, ठीक है भाई, बच्चा बुच्चा कोई छेड़े ना, कोई भी कागज है कोई उतार के। ठीक है, इधर अपनी लाइट आ गई, अपना कुछ खास वो नहीं है। ठीक है सर, एक चीज ये क्या है, ये अपना डोर का है, जैसे डोर खुला जाता कोई भी तो ये बत्तियां आएंगी। ठीक है, इस टाइम मेरा डोर खुला हुआ तो ये अपने वो कर रही है, ब्लिंक कर रही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये भी अच्छा सेफ्टी के उससे सही है। और ये सीट ये अपनी जो है एडजस्टेबल है, ये आगे हो जाती है आपके वाली एडजस्टेबल। ठीक है जी, और ये अपनी भाई 5 गियर में आ जाती है, 5+1 रिवर्स में। जी जी, ठीक है जी। और एक चीज और ये बताता हूँ मैं, इधर आओ थोड़ा कैमरा इधर लाओ, ये जो है ना अपने, हाँ ये क्या है, ये इसमें हवा आती बाहर से। ठीक है, मतलब बाहर से ही हवा आती है, मतलब एसी वगैरह नहीं है, इतना सही है जो अपना
गाड़ी चलेगी वही वाली हवा अंदर आ जाएगी। बिल्कुल दो सिलेंडर गाड़ी है ना, एसी से लोड पड़ता है गाड़ी पे। ठीक है, और बाकी कोई नीड भी नहीं है? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई कमर्शियल कार में कम ही एसी की। बिल्कुल जी बिल्कुल, स्कूलों में एसी का कम थोड़े बहुत। ये अपने इधर ग्रैब हैंडल्स है, मैं आपको बता ही चुका। और एक चीज और सर, ये जो अपनी रूफ है ये स्टील की है जी। बिल्कुल, ये स्टील की रूफ अपनी है। अच्छा जी, बिल्कुल स्टील टॉप। मतलब भाई देख रहे हो आप सेफ्टी के लिए कितना स्टील टॉप है जी। हाँ, टाटा वैसे ही मशहूर है सेफ्टी के लिए। मतलब अपनी छत पूरी स्टील की दे रही है, गाड़ी कल को पलटा भी खा जाए। बाकी होए ना आप कहते नहीं, लेकिन वो खा भी जाए तो सेफ्टी है पूरी। सेफ्टी है जी पूरी, देखो गाड़ी मतलब पिचके नहीं की। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो गाइस आपको गाड़ी के सारा कुछ आपको बता दिया, कितने सीटर पास है, कितने सीसी है, सब कुछ आपको बता दिया। लास्ट में आप आते हैं सर, इसका रेट क्या है? इसका रेट है सर, एक्स शोरूम प्राइस है 7,34,000 रुपये। 7,34,000 रुपये वाइट भी और येलो भी सेम है दोनों। ठीक है, अपनी अगर वाइट में लेनी है और स्कूल बस लेनी है तो दोनों का रेट सेम है। सेम है, ठीक है। टेस्ट राइड अवेलेबल है सर अपनी? बिल्कुल अवेलेबल है सर। ठीक है, टेस्ट राइड भी आपको इधर मिल जाएगी। लोन वगैरह हो जाएगा सर? बिल्कुल जी। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, मतलब आपने बस आने की देर है बस बस। ठीक है, तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दो चैनल को।